भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत और क्षमता का जलवा दिखाते हुए 55,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर मौजूद जासूसी बैलून को टारगेट कर गिरा दिया। राफेल फाइटर जेट्स ने चीनी स्पाई बैलून को मार गिराया है। इस कामयाबी से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय वायुसेना अब ऐसी किसी भी हवाई चुनौती से लड़ने के लिए तैयार है। कि जब हमने इतनी पावर बिल्ड कर ली है कि अब हम चीन के जो गुब्बारे हैं इनको मार सकते हैं, तो वाकई चीन बौखलाया इन सारी बातों पर कि कैसे भारत हमें जो है वो शिकस्त दे सकता है, इस तरीके की कोई प्लानिंग कर सकता है। उस एयर बैलून में कुछ पेलोड्स भी लगे हुए थे। इसको मारने के लिए किसका यूज किया गया था, तो राफेल का यूज किया गया था। जब ईस्टर्न सेक्टर में कुछ महीने पहले चीनी जासूसी बलून को भारतीय वायुसेना ने देखा, तो उसके राफेल फाइटर जेट ने उस चीनी जासूसी बलून को मार गिराया। अगर दुश्मन के एक छोटे से गुब्बारे, जिसे जासूस गुब्बारा कहते हैं, उसे गिराने के लिए तुम्हें अपना ताकतवर तरीन प्यारा राफेल उड़ाना पड़े, जिसे तुमने अरबों डॉलर्स लगाकर दुश्मन से हिफाजत के लिए यानी अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए रखा था, तो फिर बेहतर है कि तुम लड़ाई छोड़कर उससे सुलह कर दो। एक खबर जो कि कल भारत के मीडिया से निकलकर सामने आई है और काफी वायरल है सोशल मीडिया पर। इस खबर पर मीम्स भी काफी बन रही हैं, क्योंकि एक जासूस गुब्बारे को जो कि चाइना की तरफ से भारत के अंदर आया था, उसे गिराने के लिए भारतीयों ने करोड़ों रुपए लगाकर अपना राफेल उड़ाया और फिर उसे एक मिसाइल से तबाह किया। खैर, भारत का गोदी मीडिया तो इस पर वाह वाह कर रहा है, लेकिन जो भारत के चंद सयाने लोग हैं वो सवाल पूछते दिखाई दे रहे हैं कि कभी तुम कबूतरों को पकड़ने के लिए अपने जहाज उड़ाते हो, उन्हें मारने के लिए तुम्हें हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन करना पड़ता है, कभी तुम्हें गुब्बारों को तबाह करने के लिए अपना राफेल उड़ाना पड़ता है जो कि एक आम किसी भी गन से निशाना बनाया जा सकता है। तो जब पाकिस्तान और चाइना ने अपने 5th जनरेशन के तैयारे भारत में उतारे, तो फिर तुम किसे इस्तेमाल करोगे। ये खबर तो वैसे आज से कुछ अरसा कबल की है, लेकिन भारत के मीडिया में गुज़श्ता रोज इसे रिलीज किया गया और चंद विजुअल्स भी दिए गए भारत की एयरफोर्स की तरफ से, जिसमें ये बताया गया कि हमने राफेल उड़ाया था और फलानी जगह पर चाइना की तरफ से आया हुआ एक बलून था जिसमें कैमरास लगे हुए थे, जो कि स्पाइंग कर रहा था, उसे हमने मार गिराया है और उसे अपनी एक कामयाबी के तौर पर पोर्ट्रे करने की कोशिश की। वैसे भारत का गोदी मीडिया तो वाह वाह करने लगा, लेकिन सोशल मीडिया पर चंद सयाने लोगों ने उस पर सवालात उठाने लगे कि तुम ये सोचो कि इस स्पाई बलून की कीमत क्या होगी और तुमने कितना खर्चा किया सिर्फ इस एक स्पाई बलून को गिराने में। आगे चलकर आपको दिखाएंगे भारत का मीडिया सारे मामले पर क्या कुछ कह रहा है, लेकिन जो सवालात उठे हैं वो काफी वैलिड भी दिखाई देते हैं कि अगर इस तरह के बेशुमार बलून जो सिर्फ बगैर कुछ लगाए, ये बगैर कोई मशीनरी या इक्विपमेंट उसमें इंस्टॉल किए चाइना भेजता रहे भारत में और ये अपने राफेल उड़ा उड़ा कर उसे मारते रहें और खुश होते रहें, तो फिर भारत की एयरफोर्स किस काम की रहेगी। बारह क्या कुछ कह रहे हैं भारत के गोदी मीडिया में, आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। पिछले कई महीनों में दुनिया भर से लगातार चीनी जासूसी बैलून की रिपोर्ट सामने आई है। ऐसे ही कुछ बैलून को भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और अमेरिका के साउथ कैरोलिना में भी देखा गया था। इन बैलून का इस्तेमाल ड्रैगन बड़े क्षेत्रों में निगरानी रखने के लिए करता है, लेकिन इस बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत और क्षमता का जलवा दिखाते हुए 55,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर मौजूद जासूसी बैलून को टारगेट कर गिरा दिया। इस कदम से न सिर्फ भारतीय हवाई क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत हुई है, बल्कि यह चीन की अवैध हवाई जासूसी के खिलाफ एक कड़ा संदेश भी है। भारतीय वायुसेना ने इस चुनौती का सामना करने के लिए अपनी तैयारियों को पुख्ता किया है। एक टेस्ट के दौरान वायुसेना के राफेल फाइटर जेट ने जासूसी बैलून को निशाना बनाया। इस कामयाबी से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय वायुसेना अब ऐसी किसी भी हवाई चुनौती से लड़ने के लिए तैयार है। पिछले साल IAF ने अमेरिकी एयरफोर्स के साथ इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा की थी, ताकि इस तरह के हवाई खतरों से निपटने के लिए बेहतर तालमेल और जरूरी उपाय किए जा सके। भविष्य में इस तरह के हवाई खतरों से सामना करने के लिए इन SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को लागू किया जाएगा, जिससे देश की हवाई सुरक्षा और भी मजबूत हो सके। भारतीय वायुसेना से जुड़े हुए सूत्रों से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर चीन से जुड़ी हुई है। खबर है कि राफेल फाइटर जेट्स ने चीनी स्पाई बैलून को मार गिराया है। ये तकरीबन आसमान में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बलून उड़ान भर रहा था, और इसी दौरान भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट राफेल ने इस चीनी जासूसी बलून को मार गिराया है। ये बलून ईस्टर्न सेक्टर में कुछ महीने पहले उड़ रहा था, जिसके बाद इसे मार गिराया गया है। सूत्रों ने जो इंडिया टुडे को जानकारी दी है, उसमें बताया गया कि जो भारतीय वायुसेना ने बलून को मार गिराया है, वो उस बलून के साइज से छोटा है जो बीते साल US एयरफोर्स ने मार गिराया था। भारतीय वायुसेना के सूत्रों ने बताया है कि उस एयर बलून में कुछ पेलोड्स भी लगे हुए थे, जिसके बाद उसकी निगरानी की गई और फिर उसे राफेल फाइटर जेट्स के द्वारा मार गिराया गया।
यह आसमान में तकरीबन जमीन से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। साल 2023 में यूएस एयरफोर्स के F-22 ने इसी तरह के चीनी जासूसी बलून को मार गिराया था जो साउथ कैरोलिना में था। बताया जा रहा था कि चीनी जासूसी बलून नॉर्थ अमेरिका के इलाकों में लगातार उड़ान भर रहा था, जिसके बाद अमेरिका ने यह फैसला किया। इसके अलावा कई और घटनाएं भी अमेरिका में इस तरह से सामने आई थी। इसी तरह का बलून भारतीय वायुसेना ने अंडमान निकोबार आइलैंड के पास भी देखा। इसके बाद उसे लगातार मॉनिटर भी किया जा रहा था। हालांकि उस दौरान 3-4 दिनों तक जब तक वो बलून देखता रहा कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन उसे लगातार मॉनिटर किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि ये जो चीनी जासूसी बलून है उसमें कुछ इस तरह की भी मशीनें लगी हुई हैं, जिस इलाके में चीन की दिलचस्पी है, जहां की वो निगरानी करना चाहता है, जासूसी करना चाहता है, वहां वो बलून जाकर स्थिर हो जाता है। हालांकि अब जो एक बड़ी जानकारी सामने आई है वो ये कि जब ईस्टर्न सेक्टर में कुछ महीने पहले चीनी जासूसी बलून को भारतीय वायुसेना ने देखा तो उसके राफेल फाइटर जेट ने उस चीनी जासूसी बलून को मार गिराया। चीन के कुछ निगरानी गुब्बारे हैं, जासूसी गुब्बारे हैं, जो हर जगह वो हर देश के ऊपर भेजता है, 3-4 दिन रखता है और उसके बाद जब वो पूरा जायजा वहां का ले लेता है तो उनको वापस बुला लेता है। ये गुब्बारे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होते तो बहुत छोटे से दिखाई देते हैं, ज्यादा नजर पड़ती नहीं इनपे। हाल ही में अमेरिका ने एक चीनी गुब्बारे को मार गिराया था, लेकिन अब भारत भी इनके लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और भारत ने भी चीनी जासूसी गुब्बारे जैसे एक आकार को मार गिराया है और इसके लिए इन्होंने टेस्टिंग करी है और इसमें ये पूरी तरीके से सफल रहे हैं। तो इसी के बारे में डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं, देखते हैं क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको मारने के लिए किसका यूज किया गया था, तो राफेल का यूज किया गया था। थोड़ी सी बात करेंगे हम राफेल के बारे में भी। इंडियन एयरफोर्स ने दी चीन को टेंशन और राफेल ने 55,000 फीट की ऊंचाई पर ड्रैगन जैसे जासूसी गुब्बारे को क्या किया है, मार गिराया है, उसका शिकार किया है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि जब हमने इतनी पावर बिल्ड कर ली है कि अब हम चीन के जो गुब्बारे हैं इनको मार सकते हैं, तो वाकई चीन बौखलाया है इन सारी बातों पर कि कैसे भारत हमें जो है वो शिकस्त दे सकता है, इस तरीके की कोई प्लानिंग कर सकता है, क्योंकि भारत पूरी प्लानिंग करके बैठा है। भारत को पता है सीमा विवाद चल रहा है, स्थिति अभी अनुकूल नहीं है, यदि कुछ भी स्टेप लेना पड़ेगा तो हम लेंगे और हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, आगे आते हैं। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारतीय वायुसेना ने हाल ही में पूर्वी मोर्चे पर 55,000 से अधिक फीट की ऊंचाई पर चीनी जासूसी गुब्बारे को क्या किया है, मार गिराया है। भारतीय वायुसेना ने ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए TTP का फॉर्मूला अपनाया। अब ये TTP फॉर्मूला क्या है? TTP है कि टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर। तो हमें इसके थ्रू ही अपने सारे मिशंस को अंजाम देना है और अपनी प्रैक्टिस जो है उसको पूरा करना है। आगे आ जाते हैं, राफेल फाइटर जेट से यहां पर किया गया था शिकार, तो यूज किसका किया गया था? राफेल का। भारतीय वायुसेना ने कुछ महीने पहले पूर्वी वायु कमान को जिम्मेदारी वाले एक क्षेत्र में एक चीनी जासूसी गुब्बारे जैसे टारगेट को मार गिराने के लिए राफेल का यूज किया है। कमेंट कम वीडियो आपने मुलाहिजा की, भारतीयों की खुशी को देखते हुए इस बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।